ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यू बुक मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की कर रहे थे। मैं लिमिट पर था, लिमिट एक्सरसाइज 2.3। मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 करवा दिया। अब हम आते हैं 6 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीवियस जो बुक थी आपकी उससे एक क्वेश्चन लाजमी देते थे, लिमिट का एक कंप्लीट सवाल बनाते थे। 3 या 4 लिमिट के क्वेश्चन देते थे, उनमें से 2 या 3 करने होते थे। सही है ना, कैलकुलस पोर्शन में आता था। अभी भी ये इसी तरह डिज़ाइन करेंगे। कैलकुलस पोर्शन में एक क्वेश्चन लिमिट का होता था, एक डेरिवेटिव का देते थे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से देते थे क्वेश्चन। अभी भी वही है। अब देखते हैं न्यू सिलेबस वो आपका किस तरह डिज़ाइन करते हैं उस हवाले से, लेकिन लिमिट के सवाल वो ज़रूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2, 3 एंड 2, 3, 4 एंड 5 कर लिया। अब हम आ रहे हैं 6 पे। अब लिमिट के क्वेश्चन सही मानों में यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। 6, 7 एंड 8, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन लिमिट के बनेंगे वो इसी से बनेंगे, 6, 7, 8 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.2 पहला सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, पार्ट 1 में वो कह रहा है कि लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू 1 और क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 3। ये मैं बुक से उतार के कर रहा हूँ। अगर यहाँ पावर वगैरह कोई गलत लिख दूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसे सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन इसी फॉर्म में। पावर अगर मैं 4 लिख दूंगा तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर में चेंज कर देता हूँ, 2 के बजाय 3 लिख देता हूँ, 3 के बजाय 4 लिख देता हूँ, तो इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो न्यू क्वेश्चन हो जाएगा। प्रीवियस वाला क्वेश्चन पावर 3 लिख करके उसी तरह सॉल्व हो जाएगा। लिमिट के क्वेश्चन में आने को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आपके पास आएगा सबसे पहले लिमिट आप अप्लाई कर देंगे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लिमिट जो है ना, अगर आपके पास ये फॉर्म और ये फॉर्म, उसके बाद ये फॉर्म है या जस्ट इनफाइनाइट आ जाए, तो इन सबको आपने सॉल्व करना है। यानी अगर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट इनमें से कोई एक फॉर्म आ जाती है, तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो फिर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा, लिहाजा मुझे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं लिखूँ यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू 1, जहां एक्स नजर आ रहा है वहां 1 पुट कर दे। ये आ जाएगा 125, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन को बहुत स्पीडी सॉल्व करता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं इसी तरह सॉल्व कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूँ। आप तो उसे जो है ना पॉज करके देख भी सकते हैं, लेकिन मैं स्पीडी सॉल्व करते हुए, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेथड आना चाहिए कि करना क्या है हमने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 का पार्ट 2, लिमिट ये दिया हुआ है। लिमिट गिवन है इसका जो है ना एक्स टेंस टू 0, 4 डिवाइडेड बाई x-4। यहां भी अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो ये सॉल्व हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी। तो अप्लाई कर दें लिमिट, जीरो माइनस फोर ये आ गया, ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा, ये आंसर हो गया। 6 का पार्ट 3 कह रहा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट गिवन है और क्वेश्चन आपके पास गिवन है 5 डिवाइडेड बाई 5x+10। ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस पर लिमिट अप्लाई करना है वो डिनोमिनेटर में, और मैंने आपको बताया समथिंग ओवर इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, तो यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने इनफाइनाइट अप्लाई किया था, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × इनफाइनाइट+10। मैंने कहा था कि इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कोई भी नंबर ऐड कर दें रिजल्ट इनफाइनाइट, और समथिंग ओवर इनफाइनाइट इक्वल होता है 0 के, तो ये आंसर हो गया। 5 का पार्ट 4, 6 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, लिमिट गिवन है आपके पास x²-49, लिमिट गिवन है x→7, x²-49 / x-7। अब यहाँ अगर हम लिमिट अप्लाई करके चेक करें
सेवन का स्क्वायर 49 होता है, 49 माइनस 49 जीरो, और 7 में जो 7 माइनस करेंगे जीरो, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई आपके पास, इसे सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसे देख के पता चल रहा है ऊपर वाले को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख दें तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। जब आपके पास जीरो ओवर जीरो आ जाए, समथिंग ओवर इन्फाइनाइट आ जाए, देन जीरो होता है, लेकिन जीरो ओवर इन्फाइनाइट आ जाए तो उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना होगा इसे किसी तरीके से, तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसे ख़त्म करने के लिए सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन है, हम इसे जो है ना लिख दें ऊपर वाले को, एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेवन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सेवन, ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ये भी हो गया एक्स माइनस सेवन, इससे ये कैंसिल, ये बच गया हमारे पास। अब अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म हो गई, लिमिट अप्लाई कीजिए सॉल्व हो जाएगा, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू सेवन, तो सेवन प्लस सेवन ये हो जाएगा 14, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 था, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 में दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है जी। अब अगर इस पर आप लिमिट अप्लाई कीजिए एक्स की जगह जीरो, तो जीरो प्लस थ्री का मतलब रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो, और नीचे भी जीरो आ जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, इसे सॉल्व करना है। ये तो रूट में है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सॉल्व हो जाएगा, वरना अगर इस फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते तो लिखते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लिहाजा इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट हमेशा उस टर्म का लेते हैं जिसके मिड में कोई साइन हो, अपोजिट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसे अकॉर्डिंग टू पहले लिख लेते हैं हम एक्स प्लस थ्री माइनस रूट थ्री इन टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई एक्स इन टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस रूट थ्री। मैंने आपको बताया था कि जब ये फॉर्म आ जाए तो डिनोमिनेटर में से जीरो ख़त्म करना है किसी तरीके से, तो अब तो ये प्लस में आ गया, पहले माइनस में था ये एक्स था, अब गायब हो जाएगा ये, इसको हम ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, स्क्वायर ऑपरेट करेंगे हम रूट से बाहर, ये माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल, एक्स बच गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स गायब हो गया, डिनोमिनेटर का जीरो खत्म हो जाएगा। आप यानी अगर इतना सॉल्व करने के बाद दोबारा लिमिट अप्लाई करने के बाद वही रिजल्ट आता तो अगेन सॉल्व करना होता, लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये आ जाएगा वन ओवर रूट थ्री प्लस रूट थ्री, टू टाइम हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपके पास। सिक्स का पार्ट फोर फाइव था, सिक्स का पार्ट सिक्स करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट सिक्स, आपके पास क्वेश्चन गिवन है एंड एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू सेवन है, एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस रूट सेवन, वही अगर एक्स की जगह सेवन पुट कर देंगे तो सेवन माइनस सेवन जीरो, यहाँ भी रूट सेवन है, ये भी अगर ये सेवन होता तो सॉल्व हो जाता, जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग का मतलब जीरो होता है, रूट एक्स माइनस रूट सेवन, सेवन पुट करेंगे तो रूट सेवन माइनस रूट सेवन जीरो अबर जीरो, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन ये रूट में है, वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कंडीशन सॉल्व हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस सेवन अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट सेवन, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, हम ये भी कर सकते हैं, और यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बजाय हम ये भी काम कर सकते थे, मैं यहाँ आपको करके दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट,
और करके लिखा है मैंने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बजाय इस ऊपर वाली टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट सेवन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट सेवन, और डिवीजन में ये है वही आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तब वही आ जाएगा, बस वहाँ पे रूट के बगैर था यहाँ रूट के यार। तो ये स्टेप कर लें या ये स्टेप कर लें, देखें इसे मैंने ये आउट ऑफ रूट है, मैंने इसे रूट के अंदर लिख दिया, जब मैं इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन करूँगा तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आ जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला ख़त्म हो गया, ये बच गया रूट एक्स प्लस रूट सेवन। अप्लाई कर दें अब लिमिट एक्स टेंस टू सेवन, तो ये हो गया रूट सेवन प्लस रूट टू टाइम हो गया, ये टू टाइम रूट सेवन, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है जी, तो हम ये वाली कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो हम डायरेक्ट ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में से जिस तरह चाहें उस तरह कर लें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे तब भी यही आंसर आएगा। पार्ट सेवन एट नाइन तक के लिए जो ना हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है, ये याद रखने वाली बात है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स रेज टू द पावर वन ओवर एक्स इक्वल होता है एक है। यहाँ ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, यहाँ जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल साइन एक्स, और ये लिमिट टेंस टू जीरो होना चाहिए, देन वो ई के इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख दूँ साइन एक्स, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा वन ओवर साइन एक्स, लिमिट अप्लाई करूँगा इक्वल टू ई हो जाएगा। दूसरा फार्मूला इसी में ये है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, अब यहाँ ये लिखा जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा और यहाँ एक्स होगा, अब अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देन ये भी इक्वल होगा ई के, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सवाल ले लूँ, यहाँ लिख लूँ ई रेस टू द पावर एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ ये होना चाहिए ये ई रेस टू द पावर एक्स। ठीक है जी, क्लियर हुआ, तो आपने समझना है कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है और जब लिमिट इनफाइनाइट होगा तो यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, जब लिमिट ज़ीरो होगा तो यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, और जब लिमिट इनफाइनाइट होगा तो यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सेवन करते हैं, देखिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट सेवन, क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सेवन आपके पास लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस एक्स ओवर थ्री, ये लिखा हुआ है फाइव ओवर एक्स। ठीक है जी, लिमिट जीरो है, यहाँ जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए, वहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू एक्स ओवर थ्री, यहाँ होना चाहिए थ्री ओवर एक्स, थ्री नहीं है, हम जरा इसे अरेंज कर लें, यहाँ मुझे थ्री चाहिए, फाइव को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो थ्री से हम मल्टीप्लाई कर दें और थ्री से डिवाइड कर दें इसको, चलें फाइव भी लिखा रहने देता हूँ, थ्री से मैंने डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ है एक्स ओवर थ्री, तो यहाँ चाहिए मुझे थ्री ओवर एक्स, सही है ना, तो थ्री और एक्स अलग कर लें, फाइव और थ्री अलग कर लें, थ्री ओवर एक्स यहाँ लिख लें, इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और होल पावर बच गया आपके पास फाइव ओवर थ्री। ठीक है जी, ये अलग कर लिया, या फिर इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, हम ज़्यादा बेहतर तौर पे इस तरह कर लें, इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये सवाल है मैं लिख रहा हूँ दोबारा आपके लिए, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन प्लस एक्स ओवर थ्री, और ये फाइव को मैं ऑपरेट कर दूं अलग, अब मुझे यहाँ थ्री चाहिए, तो थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और थ्री से डिवाइड, ये थ्री ओवर एक्स चाहिए मुझे, ये अपॉन वाला थ्री दोबारा बाहर निकाल लें, ये बच गया थ्री ओवर एक्स, और ये जो डिवीजन में थ्री है ये बाहर निकला। ठीक है जी, अब जो यहाँ है वो उसका रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है,
और यहाँ पे एंगल भी वही होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एंगल ये नहीं है, अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एंगल कि एक्स एक्स ओवर थ्री टेंस टू, ये हमारे पास लिमिट है एक्स टेंस टू ज़ीरो। मैं यहाँ इसे बता रहा हूँ कि एक्स ओवर थ्री टेंस टू अगर मैं ज़ीरो ले लेता हूँ तो देन होगा क्या, ये थ्री वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब भी यही होगा कि एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो इसका मतलब मैं एक्स टेंस टू ज़ीरो लिख दूँ अब या एक्स ओवर थ्री टेंस टू ज़ीरो लिख दूँ, बात एक ही हो जाएगी। लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो ये रिज़ल्ट इक्वल टू वन आ जाए। थ्री ओवर एक्स, ये आ गया फाइव ओवर थ्री। अब कर दें अप्लाइंग लिमिट एक्स ओवर थ्री टेंस टू ज़ीरो, तो ये सारा इक्वल हो जाएगा ई के, और इस पर पावर फाइव बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है जी, वो मैं लिखा रहने दे रहा हूँ इन चारों पार्ट के लिए, ताकि जो है ना आपको आसानी से समझ में आए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सेवन एट है, सिक्स था ये, सेवन था सॉरी एट। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट एट ये दिया हुआ है हमारे पास, सिक्स पार्ट एट लिखा हुआ है हमारे पास। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये लिखा हुआ है वन प्लस एक्स, और रेस टू द पावर हमारे पास गिवन है ए ओवर एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास वन ओवर ए एक्स होना चाहिए, यानी इस फॉर्म में, क्योंकि लिमिट जीरो के इक्वल है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसे, तो मुझे वन ओवर ए एक्स चाहिए, ये ए एक्स्ट्रा है, मैं इसे बाहर निकाल लूँ, वन ओवर एक्स लिख देता हूँ, और ए एक्स्ट्रा है बाहर निकाल लूँ। अब यहाँ अपॉन में ए लाने के लिए ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे भी बाहर ले जाए। ये हो जाएगा वन ओवर ए एक्स, और ये जो ए एक्स्ट्रा था इसे ए से मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो गया, हमारी कंडीशन बन गई। जो यहाँ वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल है, बस जस्ट लिमिट नहीं है हमारे पास। लिमिट डिफाइन करें, वही काम करेंगे, लिखेंगे एज ए एक्स टेंस टू, अगर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ तो होगा क्या, देन इसका मतलब एक्स टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं बजाय एक्स टेंस टू ज़ीरो लिखने के बजाय हम जो है ना ए एक्स टेंस टू ज़ीरो लिख दें, क्योंकि कोई फ़र्क इससे पड़ नहीं रहा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिख दें अप्लाइंग लिमिट, ये सारा काम करना होगा आपको। ए एक्स टेंस टू जीरो, ये इक्वल हो जाएगा ई के, और इस पर पावर ए स्क्वायर है ये स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेवन, सिक्स का पार्ट एट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नाइन, आइए देखते हैं। ये चार पार्ट के लिए ये फार्मूला मैंने लिखा रहने दिया है, ताकि आपको आसानी हो, वहाँ पे वहाँ से मैं डिफाइन करता रहूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर नाइन, अब पार्ट नंबर नाइन में जो क्वेश्चन गिवन है वो लिमिट आपके पास गिवन है इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस पी ओवर एक्स रेस टू दी पावर हमारे पास गिवन है पी एक्स। यहाँ हमारे पास अब ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। पी ओवर एक्स है तो ये एक्स ओवर पी होना चाहिए, सही है ना जी, क्योंकि एक्स का रेसिप्रोकल वन ओवर एक्स था, तो यहाँ रेसिप्रोकल हमारे पास पी ओवर एक्स है, तो ये एक्स ओवर पी होना चाहिए। आइए हम इसे भी करते हैं सॉल्व, लिमिट इनफाइनाइट है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, हम इसे यूँ देख लें पी ओवर एक्स, मुझे यहाँ एक्स ओवर पी चाहिए, तो इसको अलग कर दें पी को। अब यहाँ पी डिवीजन में चाहिए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, पी से मल्टीप्लाई कर दिया और पी से इस पी को बाहर ले जाएं, ये हो जाएगा एक्स ओवर पी, और ये पी पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर जाके पी स्क्वायर हो जाएगा, कंडीशन वैलिड हो गई। यहाँ पी ओवर एक्स है, ये एक्स ओवर पी है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ मौजूद है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है। अब हमें जस्ट ये बताना होगा कि एज ये लिमिट यहाँ चाहिए, ताकि हम जो है ना लिमिट अप्लाई कर सकें। एज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पी ओवर एक्स
टेंस टू इनफाइनाइट हो, देन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास, बल्कि एक्स ओवर पी टेंस टू इनफाइनाइट हो, देन एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वहाँ जाकर के इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो गया इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दें हम लिमिट एक्स टेंस टू पी टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस पी ओवर एक्स रेज टू द पावर एक्स ओवर पी और होल पावर पी स्क्वायर, अप्लाई कर दें लिमिट एक्स ओवर पी टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास ई के, इस पर पावर आ जाएगा पी स्क्वायर, ये आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 9 है, यानी अब ये दोनों इस लिमिट पर आ रहे हैं, इससे पहले वाले दोनों सवाल इस लिमिट पर थे। आ जाइए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 10। हमारे पास वैल्यू गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और ये गिवन है 1 माइनस पी क्यू ओवर एक्स। अब ये माइनस में है, इसे प्लस भी करना है, वहां माइनस नहीं है प्लस है, रेज टू दी पावर लिखा हुआ है एक्स ओवर पी, तो ये पी क्यू ओवर एक्स है, हमें चाहिए एक्स ओवर पी क्यू, क्यों नहीं है, सही है जी, तो हम क्यों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें कंडीशन बनाने के लिए, और ये माइनस में है इसे हम इस तरह लिखेंगे, ये भी माइनस में चाहिए क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस पी से मल्टीप्लाई क्यू से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस क्यू से डिवाइड कर दें, सही है ना, पी क्यू, पी क्यू लिख दें पहले, पी क्यू आएगा, ठीक है जी। ये जो है यही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, ये माइनस वाला एक साइन इसी तरह रहेगा, एक माइनस को मैं बाहर ले जाता हूँ, इसे हम लिखते हैं हम यहाँ पे माइनस एक्स ओवर पी क्यू आ गया हमारे पास, और होल पावर में हम लिख दें ये ऊपर वाला बच गया माइनस क्यू। अब लिमिट डिफाइन कर दें हम कि एक्स ओवर पी क्यू एज माइनस एक्स ओवर पी क्यू टेंस टू, अगर मैं इनफाइनाइट, यहाँ तो एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट ले लूँ तो होगा क्या, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये सब वहाँ जाके इन्फाइनाइट से मल्टीप्लाई होगा, इन्फाइनाइट होगा, माइनस भी जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब कर दें अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग नहीं, पहले मैं लिमिट डिफाइन करूँ कि लिमिट एक्स ओवर पी क्यू माइनस एक्स ओवर पी क्यू टेंस टू इन्फाइनाइट वन प्लस माइनस पी क्यू ओवर एक्स, इसे हम लिख दें माइनस एक्स ओवर पी क्यू होल रेज टू दी पावर माइनस क्यू। तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम एक्स ओवर पी क्यू टेंस टू इनफाइनाइट, तो देन ये इक्वल हो जाएगा ई के और इस पर पावर माइनस क्यू है क्यू आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चार पार्ट इन दोनों फार्मूले से थे, अब कंडीशन चेंज हो गई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, 6 का पार्ट 11। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 17 रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, इसको हमने सॉल्व करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है डायरेक्ट, वैसे हम मैं इसे एक और तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। इसके लिए फार्मूला ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, ये एक कॉन्स्टेंट है, सही है ना, अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा एल एन ए के। अगर इसी फार्मूले को मैं इस तरह लिखूं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री फाइव रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम लिखेंगे एल एन कॉन्स्टेंट, यहाँ कॉन्स्टेंट ए था ए लिखा, यहाँ एल एन कॉन्स्टेंट फाइव है फाइव लिख देंगे। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट वे में करूँ 17x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दें अप्लाइंग लिमिट सही है ना, लिमिट अप्लाई कर दें एक्स टेंस टू जीरो, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास चाहें तो फार्मूला बता दें कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल होता है एल एन ए के, इस फार्मूले के मुताबिक इसे करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन 17, ये आंसर हो जाएगा।
और अगर आप इसे इस तरह ना करना चाहें तो इस तरह कर लें, सही है ना। एक और फार्मूला है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, सही है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इक्वल होता है, अगर ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होता है वन के, ठीक है जी। अगर मैं इस फॉर्म में इसे करूं, इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं, ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेवनटीन रेज टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ जो है ना, ई रेज टू द पावर एल एन सेवनटीन की पावर एक्स माइनस वन, एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा। अब इसे नीचे ले आए, लॉग से पहले आ जाएगा पावर, ये आ जाएगा एक्स एल एन सेवनटीन डिवाइडेड बाई, ठीक है जी। हमें फॉर्मूला ये रिवील कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी उसी पावर से डिवाइड होना चाहिए, और वो पावर टेंस टू जीरो होना चाहिए, देन वन के इक्वल होगा। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल की पावर है एक्स एल एन सेवनटीन, यहाँ तो एक्स है, मुझे एल एन सेवनटीन चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, एक्स मौजूद है, एल एन सेवनटीन से एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और एल एन सेवनटीन से एक्स को डिवाइड डिवाइड कर दिया, बैलेंस हो गया। इसे पलट देंगे ये ऊपर आ जाएगा एल एन सेवनटीन, ये बच गया हमारे पास ई रेज टू की पावर एक्स एल एन सेवनटीन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एल एन सेवनटीन। तो जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसी से डिवाइड हो रहा, कंडीशन बन गई। अब सिर्फ मुझे लिमिट बताना है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालना है, लिमिट मुझे डिफाइन करना है। मैं यहां बताऊं कि एज एक्स एल एन सेवनटीन टेंस टू, अगर मैं जीरो ले लूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब यही होगा, देन ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो ही हो जाएगा। तो मैं बजाय ये लिमिट लेने के ये ले लूँ एल एन सेवनटीन, पहले से मैंने लिखा हुआ है, लिमिट अब ले लूँ एल एन सेवनटीन एक्स एल एन सेवनटीन टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स एल एन सेवनटीन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स एल एन सेवनटीन। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा वन के, और यहाँ बचा हुआ है एल एन सेवनटीन, एल एन सेवनटीन वन से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा एल एन सेवनटीन, यही रिजल्ट आया था यहाँ भी। तो ये फार्मूला आपकी बुक में डिफाइन है, ज़्यादा आसान है ये, मैंने वैसे कर दिया आपको एक और मेथड से, आप चाहें तो इस मेथड से भी कर लें, अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ये फार्मूला आगे जाके हम अभी यूज़ करेंगे लिमिट में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पार्ट ट्वेल्व में लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। ये लिखा हुआ है सॉरी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और आगे लिखा हुआ है वन प्लस टू एच रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव एच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिट वाले सवालों में पहले हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म में बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँ एस टेंस टू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, वन की पावर एन का मतलब वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये अनडिफाइंड फॉर्म है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक थ्योरम यूज़ करना है जो हम फर्स्ट ईयर में यूज़ करके आए हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास ये है, ए प्लस बी रेज टू द पावर एन, चले यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस से ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, लास्ट टर्म की पावर हमारे पास जो है ना बी की पावर एन। अब आपका प्रॉब्लम ये है, बास टीचर जो है ना एन सी वन एन सी टू नहीं लिखवाते, तो एन सी वन का मतलब होता है एन, वो इस फॉर्म में लिखाते हैं, एन सी टू का मतलब होता है एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, एन सी थ्री का मतलब होता है एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई, वो इस फॉर्म में लिखवाते हैं एन सी वन एन सी टू की बजाय। तो आपकी मर्जी, आप ये फॉर्म यूज़ कर लें ये कर लें, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अगर पावर आपके पास होल नंबर है तो एन सी वन एन सी टू बड़ी आसानी से कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके दे देगा, और अगर पावर फ्रैक्शन में है तो देन आपको उसको हाथ से ही सॉल्व करना होगा ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद। आइए देखते हैं, इसे हम ओपन करते हैं क्योंकि यह इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट आ रहा है, ये ब्रेक भी नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ए की पावर एन प्लस एन की जगह एन ही है, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी टू ए प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू बी है हमारे। एक टर्म और खोल लेते हैं, एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास टू एच, तो हम ये लिख देंगे टू एच की पावर है, और ये माइनस वन पहले से लिखा है डिवाइडेड बाई फाइव एच। ये एच जब तक गायब नहीं होगा ये सॉल्व नहीं होगा, हमेशा जो है ना अनडिफाइंड फॉर्म आता रहेगा, क्योंकि नीचे जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाएगा, लिहाजा आपको इस एच को गायब करना है। आइए इसे खोलते हैं, वन रेज टू दी पावर एन का मतलब वन होता है, एन सी वन एज इट इज लिखा रहा है, नहीं तो यहाँ खोल कर कोई फायदा नहीं है, वन की पावर कुछ भी है उसका मतलब वन, टू एच ये एन है, एन सी टू एज इट इज लिखा रहने दें ये हो जाएगा फोर एच स्क्वायर, एन सी थ्री एज इट इज लिखा रहने दें ये हो जाएगा हमारे पास एट एच क्यूब प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा हमारे पास टू रेज टू दी पावर एन एच रेज टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव एच। ठीक है, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर दूं, ये मिटा देता हूं मिटा देखना, तो ये प्लस का वन है और ये माइनस का वन है, कैंसिल ये बच गया, एन सी वन इंटू टू एच प्लस एन सी टू इंटू फोर एच स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एट एच क्यूब प्लस डॉट 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 टू रेज टू दी पावर एन एच की पावर एन डिवाइडेड बाई फाइव। अब ऊपर जितनी टर्म है सब में से एच कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, यहाँ ये बच जाएगा एन सी वन इंटू टू, यहाँ बच जाएगा एन सी टू फोर इंटू एच, यहाँ बच जाएगा एन सी थ्री एट इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी एच कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टू एन एच रेज टू दी पावर एन माइनस वन, क्योंकि एन है वन कॉमन लेंगे ये बचेगा हमारे पास, और ये आ गया फाइव एच, इस एच से ये एच कैंसिल होगा। अब ऊपर फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी टर्म है सब में एच अप्लाई हो रहा है, ये सब लिमिट चल रहा है हमारे पास, ठीक है जी। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो इसके बाद वाली सारी टर्म जीरो, क्योंकि ये तो एच बच गया, यानी ये बचा हुआ है एन सी वन, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसी लाइन में करना चाह रहा हूं, अब जो बच गया वही कॉपी करना था, और उसके बाद हमने लिखना था अप्लाइंग लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो एच कैंसिल हो गया, फाइव बचा हुआ है, तो पहली टर्म ये बच जाएगी एन सी वन इंटू टू, ये जीरो उसके बाद वाली जीरो उसके बाद वाली सारे जीरो हो जाएंगे डिवाइडेड बाय फाइव, तो हमारे पास कंडीशन ये बच गई टू इंटू एन सी वन डिवाइडेड बाय फाइव, टू ओवर फाइव एज इट इज लिखते हैं, एन सी वन का मतलब मैंने लिखा हुआ था एन, ये आंसर हो जाएगा अप्लाइड लिमिट करने के लिए, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से हुआ, हालांकि प्रीवियस बुक में जो है ना एक फार्मूला था उससे ये हो सकता था, लेकिन यहाँ आपको वो फार्मूला डिफाइन नहीं किया जा रहा, लिहाजा हमें इसे बाइनोमियल थ्योरम से ही ओपन करना होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम आपको याद रखना होगा, चाहिए ना बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट थर्टीन में लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू रेज टू दी पावर एक्स माइनस फोर रेज टू दी पावर एक्स माइनस एट रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। लिमिट वाले सवालों में पहला काम है सबसे कि जो लिमिट गिवन है वो अप्लाई करके देखें, अगर अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है तो देन हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं आ रही तो नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो हम इसे लिखेंगे टू की पावर जीरो माइनस फोर की पावर जीरो माइनस एट की पावर जीरो माइनस वन जीरो प्लस टू, तो ये हो गया वन, ये भी हो गया वन, ये भी हो गया वन, ये आ गया टू, ये प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल माइनस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, ये आंसर है।
ठीक है, ये पहला रूल मैंने आपको बताया था कि लिमिट के सवालों को अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले लिमिट ऑपरेट करना होगा, ताकि हमें पता चले कि हम उसे सॉल्व भी करेंगे या नहीं। ऐसा ना हो आप सॉल्व करने में लग जाएं और पता चला कि सिर्फ अप्लाई कर देते तो रिजल्ट आ जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है हमारे पास 7 का पार्ट 14, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जो है ना 13 था। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 14 आपके पास गिवन है, वन लिमिट एक्स टेंस टू 0, वन प्लस 7x डिवाइडेड बाई वन माइनस 9x होल रेस टू द पावर 1/x। ये वही फार्मूला जो अभी मैंने मिटा दिया, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसी फॉर्म में लेके आएंगे। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों पर, ये हो जाएगा 1 प्लस 7x रेज टू द पावर x। लिमिट 0 है लिहाजा यहाँ यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए। ये 7x है तो यहाँ होना चाहिए 1/7x, ये -9x है तो यहाँ होना चाहिए -1/9x। आइए इसे करते हैं, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये आ गया 1 प्लस 7x, मुझे यहाँ चाहिए 1/7x, तो मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिवाइड करना है। यहाँ आ जाइए, ये माइनस का 9x है, मुझे यहाँ चाहिए माइनस का 9x, तो मुझे -9 से मल्टीप्लाई करना है और -9 से डिवाइड करना है। यहाँ भी लिमिट अलग अप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी लिमिट ऊपर वाले पर अलग अप्लाई कर दीजिए। इस 7 को बाहर ले जाएं हम, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस 7x रेज टू द पावर 1/7x होल पावर आ जाएगा 7। यहाँ आइए, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस, और ये माइनस का 9x है, रेज टू द पावर माइनस का 9x है, चले यहाँ डबल ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, -1/9x और रेज टू द पावर -9। अब लिमिट हमारे पास एक्स है, जबकि चाहिए 7x टेंस टू 0, यहाँ चाहिए -9x टेंस टू 0। देन अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ये भी ई के इक्वल हो जाएगा, ये भी ई के इक्वल हो जाएगा। तो पहले हम कंडीशन बना लें, हम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज 7x टेंस टू 0 हो, अगर मैं ले लूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि देन एक्स टेंस टू 0 ही होता है। एंड -9x टेंस टू 0 हो तो देन x टेंस टू 0 ही होता है। तो यहाँ पे आप लिमिट ये लिख दें हम, लिमिट 7x टेंस टू 0, 1 प्लस 7x रेज टू द पावर 1/7x होल रेज टू द पावर 7। यहाँ लिख दें लिमिट -9x टेंस टू 0, 1 प्लस -9x 1 प्लस -9x रेज टू द पावर -1/9x और होल पावर है -9। अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, दोनों अप्लाई होगा, 7x टेंस टू 0 एंड -9x टेंस टू 0, तो ये भी हो जाएगा ई रेज टू द पावर 7 और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर -9। इसे ऊपर ले जाए प्लस का हो जाएगा, दोनों बेस सेम है ना, एक्सपोनेंट माइनस कर दें, ई रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस, 7 में 9 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 13 हो गया, सॉरी 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 15 दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 15, ये दिया हुआ है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टेंस टू 0, ए रेज टू दावर एक्स माइनस बी रेज टू दावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला हम पढ़ के आए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू दावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल होता है हमारे पास जो है ना ln a के, ये फार्मूला था, ये भी कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो वो यहाँ 1 नहीं है। 1 लाने के लिए मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं,
माइनस वाला इसके साथ ले लेते हैं, प्लस वाला इसके साथ ले लेते हैं, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बी रेस टू द पावर एक्स माइनस वन। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, इसके नीचे भी ये है और इसके नीचे भी ये है, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी रेस टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, कंडीशन बन गई हमारे पास। लिमिट अप्लाई कर दें, एक्स टेंस टू जीरो, तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ए और ये हो जाएगा एल एन बी। ये लॉग के साथ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग एल एन ए डिवाइडेड बाई बी हम लिख सकते हैं इसे। आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तब भी देनी आंसर होगा, बस आपने प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। आइए जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर 16, 18 पार्ट है इसके, मैंने सारे पार्ट आपके लिए किए हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर 16 दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अभी हम फार्मूला यूज करके आए, मैंने आपको बताया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स हो तो इक्वल होता है वन के, लेकिन शर्त है कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर हो वो पावर टेंस टू जीरो होना चाहिए और उसी पावर से वो डिवाइड होना चाहिए। यहाँ भी यही कंडीशन है, बस वन नहीं है, तो वन लाने के लिए वही काम करेंगे हम, वन प्लस कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस वाला इसके साथ ले लेते हैं, ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, दोनों को सेपरेट करके लिख दें, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला था हमारे पास, मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल की जो पावर होनी चाहिए उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो टू नहीं है माइनस टू, माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, माइनस टू से मल्टीप्लाई किया इसको और डिवाइड कर दिया माइनस टू, इसे पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, यहाँ आइए माइनस 11 नहीं है, माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया और माइनस 11 से डिवाइड कर दिया, इसे पलट देंगे ऊपर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा लिमिट से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, e रेस टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स, कंडीशन बन गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 e रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस 11 एक्स। अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमें ये लिमिट होनी चाहिए, यहाँ माइनस टू एक्स और यहाँ माइनस 11 एक्स, तो मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ कि एज माइनस टू एक्स टेंस टू, अगर मैं जीरो ले लेता हूँ तो इससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन के लिमिट पे एक्स टेंस टू जीरो ही होगा, एंड माइनस 11 एक्स टेंस टू जीरो ले लूँ तो इसका मतलब भी एक्स टेंस टू जीरो ही होगा, तो यहाँ लिमिट ये लिखने के बजाय ये लिख दें लिमिट माइनस टू एक्स टेंस टू जीरो और ई रेस टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स प्लस 11 लिमिट माइनस 11 एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू द पावर माइनस 11 एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस 11 एक्स, अप्लाइंग लिमिट माइनस टू एक्स टेंस टू जीरो एंड माइनस 11 एक्स टेंस टू जीरो, तो ये बच जाएगा माइनस टू इंटू वन, ये बच जाएगा 11 इंटू वन, तो 11 में से 2 निकालेंगे 9 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 16 था, अब बचा हमारे पास 17 एंड 18, आइए 17 करते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 17, पार्ट नंबर 17 में लिखा हुआ है 3 लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है ये, 3 ई रेस टू द पावर माइनस 5 एक्स माइनस 5 ई रेस टू द पावर माइनस 2 एक्स प्लस 2
डिवाइडेड बाई एक्स, ये दिया हुआ है हमारे पास। आइए करते हैं, जाहिर सी बात है हमने उसी फॉर्म में लाना है, फार्मूले की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल कंडीशन दी हुई है। अब उनमें तो कुछ दिया हुआ नहीं था, मैंने प्लस वन माइनस वन कर दिया। अब अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये थ्री है और ये टू है, यहाँ भी ले आऊँ तब भी कंडीशन नहीं बनेगी। तो मैं इस टू के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, थ्री ई रेज टू दावर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव ई रेज टू दावर माइनस टू एक्स, इसे मैं लिख दे रहा हूँ फाइव माइनस थ्री। फाइव वाले के साथ फाइव लेने, थ्री को यहाँ ले आए डिवाइडेड बाई एक्स, फाइव में से थ्री निकालेंगे टू बचेगा हमारे पास। मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, बस लिखने का वे चेंज कर दिया। माइनस थ्री माइनस फाइव ई रेज टू दावर माइनस टू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स, इन दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा, बच जाएगा ई रेज टू दावर माइनस फाइव एक्स माइनस वन, और यहाँ से फाइव कॉमन आ रहा है ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। इस एक्स को दोनों के नीचे लिख दें, ये कांस्टेंट है, बाहर लिख दें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस फाइव एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में लिमिट की प्रॉपर्टी यही है कि हम अलग अलग लिमिट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आ जाइए भाई, हमें जो एंगल है एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो चाहिए माइनस फाइव एक्स, तो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस फाइव से डिवाइड कर दें। यहाँ आ जाइए, टू एक्स चाहिए, एक्स तो मौजूद है, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस टू से डिवाइड कर दें। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे आगे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम यहाँ थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू दावर माइनस फाइव एक्स माइनस वन, और ये माइनस फाइव एक्स है, ये माइनस माइनस प्लस, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, टू ऊपर जाएगा ना, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, माइनस का टू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव फाइव मल्टीप्लाई बाई टू हो जाएगा, मैंने प्लस कर दिया। अच्छा नहीं, ये माइनस का है, इसे भी माइनस का ही लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू दावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स। आ जाइए जी, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू दावर माइनस फाइव एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस फाइव एक्स, कंडीशन बन गई फाइव टू जो टेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू दी पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स। अब सिर्फ हमें लिमिट डिफाइन करना, लिमिट एक्स है, एक जगह माइनस फाइव एक्स है और एक जगह माइनस टू एक्स है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज माइनस फाइव एक्स टेंस टू, अगर मैं जीरो ले लूँ तो इससे लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका मतलब एक्स टेंस टू जीरो ही होगा। एंड माइनस टू एक्स भी टेंस टू जीरो ले लूँ तो देन एक्स टेंस टू जीरो ही होगा। तो अब यहाँ लिमिट ये अप्लाई कर दें, ये याद रखने वाली बात है, मैं हर एक में लिमिट डिफाइन करके बता रहा हूँ, बगैर डिफाइन किए अप्लाई नहीं होगा वो किसी भी सूरत में। माइनस फाइव एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस फाइव एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस फाइव एक्स प्लस टेन लिमिट माइनस टू एक्स टेंस टू जीरो ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स। अब लिखते हैं अप्लाइंग लिमिट, माइनस फाइव एक्स टेंस टू जीरो एंड माइनस टू एक्स टेंस टू जीरो, तो ये इक्वल हो जाएगा वन के और ये भी इक्वल हो जाएगा वन के, ये माइनस फिफ्टीन प्लस टेन माइनस फाइव बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर हमारे पास सेवनटीन था, सिक्स का पार्ट सेवनटीन। अब लास्ट पार्ट रह गया सिक्स का पार्ट एटीन, मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट नंबर लास्ट एटीन। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस थ्री टेंजेंट एक्स, और यहां लिखा हुआ है कॉट एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैं उसे इसी फॉर्म में लिख देता हूं। वन ओवर टेन, तो यहाँ जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में चाहिए, थ्री चाहिए, थ्री नहीं है, थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री से डिवाइड किया, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स की पावर वन ओवर थ्री टेन एक्स होल पावर थ्री। अब सिर्फ मुझे लिमिट डिफाइन करना है कि एज
थ्री टेन एक्स टेंस टू जीरो ले लूंगा, तो देन टेन एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा एंड एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन को वहां ले जाऊंगा तो टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो ये वही लिमिट आ गई क्वेश्चन वाली। तो मैं बजाय ये लिखने के ये लिख देता हूँ थ्री टेन एक्स, क्योंकि यहाँ थ्री टेन एक्स है टेंस टू जीरो, वन प्लस थ्री टेन एक्स पावर वन रेज टू दी पावर थ्री, वन अपॉन थ्री टेन एक्स होल रेज टू दी पावर थ्री। तो अब अप्लाइंग करेंगे लिमिट, थ्री टेन एक्स टेंस टू जीरो, देन ये ई के इक्वल हो जाएगा और इस पर पावर थ्री बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स के तमाम पार्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट करेंगे। ये सारे लिमिट के क्वेश्चन चल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।